अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नगर कन्नौज में हिंदू संगठनों द्वारा दोपहर 2 बजे तालाब हनुमान मंदिर से बैंड बाजों के साथ कन्नौज नगर के इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पीछे वाले मार्ग से गणेश चौक होते हुए नगर पंचायत चौराहे पहुंची। शोभा यात्रा का समापन जेल वाले हनुमान मंदिर पर हुआ, जहां महा आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा में अधिकांश महिलाएं तथा पुरुष भगवा परिधान में नजर आ रहे थे। शोभा यात्रा पर जगह जगह मंचों के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई, साथ ही कई मंचों पर प्रसाद के रूप में स्वल्पाहार और शीतल पेयजल की व्यवस्था भी की गई थी। मजार छल्ला स्थित गणेश चौक और SDOP कार्यालय के सामने मुस्लिम भाइयों और उनके साथियों ने भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी थी। युवक युवतियां महिलाएं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे जैसे कई भजनों पर उत्साह के साथ खूब झूमे और पुलिस एवं प्रशासन की व्यवस्था माकूल रही। नगर परिषद द्वारा साफ सफाई एवं प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।